हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बेस्ड थी, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड भी था, तो कुल मिला के इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस था। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 को। क्वेश्चंस कह रहे हैं बच्चों, अ रेडियो कैन ट्यून इन टू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज़ टू 12 मेगाहर्ट्ज़ बैंड। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या है कि एक रेडियो है जो किसी भी स्टेशन पे 7.5 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से लेकर 12 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के बीच में ट्यून कर सकता है। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं बच्चों कि इस रेडियो की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 7.5 मेगाहर्ट्ज़, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बच्चों दी गई है 12 मेगाहर्ट्ज, राइट है। और हमें पूछा गया व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, और इसके अकॉर्डिंग इसकी वेवलेंथ बैंड कौन सी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इंश्योर बच्चों हम लिख सकते हैं कि हमें लैम्ब्डा मिनिमम और लैम्ब्डा मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें रेंज ऑफ वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, करेक्ट बच्चों। चलिए तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मिनिमम वेवलेंथ के लिए। मिनिमम वेवलेंथ, करेक्ट। अब देखिए बच्चों, हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ वेव्स का फॉर्मूला हुआ करता था सी इज इक्वल टू लैम्ब्डा इनटू एफ, प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था। और अभी भी तक आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो प्लीज उसे रिफर कर लीजिए, क्योंकि ये जो सारी एक्सरसाइज होती है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। तो सी इज इक्वल टू लैम्ब्डा इनटू एफ, तो अगर मैं यहाँ पे लैम्ब्डा को सब्जेक्ट बना लूँ तो सी बाय एफ, करेक्ट। अब मुझे चाहिए लैम्ब्डा मिनिमम, तो बच्चों सिंपल है कि मुझे एफ की वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, सी की वैल्यू तो कांस्टेंट है 3 × 10⁸, और एफ मैक्सिमम की वैल्यू बच्चों में दी गई थी 12 मेगाहर्ट्ज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12 मेगा के लिए 10⁶, करेक्ट। चलिए तो जल्दी से कैलकुलेशंस फिनिश कर दीजिए, और मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 4, 8 में से 6 हटाइए तो यहाँ पे बचेंगे 100, 100 बाय 4 इज इक्वल टू 25 मीटर। तो मिनिमम वेवलेंथ बच्चों मुझे मिलेगी 25 मीटर। अब मैं बात करूंगा फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, सॉरी बच्चों थोड़ी सी स्पेस की कमी है तो एडजस्ट करेंगे ना, वैसे भी हम साइंस वाले कहीं पे भी एडजस्ट करते हैं, राइट। चलिए तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए बात करेंगे बच्चों, तो सेम फॉर्मूला लैम्ब्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू सी बाय, अब बच्चों यहाँ पे नोट कर लीजिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मिनिमम की, क्योंकि वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸। अब देखिए एफ मिनिमम कितना दिया था, 7.5 मेगा के लिए 10⁶, करेक्ट है बच्चों। चलिए तो फटाफट अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे बच्चों आंसर आने वाला है 40, और यूनिट लगा देंगे हम मीटर, तो ये मुझे मिली मैक्सिमम वेवलेंथ, और मैक्सिमम वेवलेंथ मिल रही है मुझे 40 मीटर। तो यहाँ पे बच्चों मैं नोट कर सकता हूँ रेंज ऑफ वेवलेंथ, या तो रेंज ऑफ वेवलेंथ बैंड, जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वेवलेंथ बैंड, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेवलेंथ बैंड या तो रेंज ऑफ वेवलेंथ, तो वो होगी 25 to 40 मीटर, राइट है बच्चों। और इसी के साथ हमारा ये जो एकदम कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस था वो फिनिश होता है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 6 के साथ। थैंक यू।